शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इन बीसीएन और सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को रत्नाकर का नमस्कार। कई चर्चाओं का दौर आज तक चलता आया है। आज जो चर्चा का विषय हमारे साथ में है वो भी कोरोना की पार्श्वभूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम एक प्रवास की बात करते हैं कि कब कोरोना शुरू हुआ, कैसी अब तक हमारा उस कोरोना को निपटते निपटते कैसी हमारी जिंदगी उसमें उलझ गई। कई तकलीफों का सामना हर आम जनता को करना पड़ा, प्रशासन को करना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा मौका आया कि जब हम अनलॉक की तरफ बढ़े, अनलॉक के बाद में एक उम्मीद नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं अच्छा होगा। लॉकडाउन के वक्त कई घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। जब लॉकडाउन का पीरियड था तब ये बताया गया कि आपको इलेक्ट्रिक का बिल अब नहीं आएगा। लेकिन आज जो चर्चा का विषय हम लेकर आ रहे हैं, उस चर्चा का विषय ही है 3 माह का बिजली बिल, राहत या आफत। क्या सचमुच ये 3 महीने के बाद जो बिल आया है राहत देने के लिए आया है, या ये आम नागरिकों के लिए एक आफत बनकर आया है? इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ में जो महानुभाव शामिल है, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब। चंद्रशेखर बावनकुले साहब का मैं स्वागत करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। हमारे साथ में है ज्येष्ठ संजय दुबे जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है महाराष्ट्र से। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। दुबे सर, धन्यवाद। हमारे साथ में है ज्येष्ठ संपादक सिटी न्यूज के अमरावती से डॉक्टर चंदू सोजातिया जी, और हमारे साथ में है इमरान शेख, जो कि एनबीसीएन के डायरेक्टर है। चलिए मैं सीधा चर्चा को ही शुरुआत करता हूं। मैं सीधे आता हूं चंद्रशेखर बावनकुले साहब की तरफ। बावनकुले जी, क्या 3 माह का ये जो बिजली का बिल अब लोगों के हाथ में आया है, क्या ये राहत है या आफत है? देखिए कि मैंने पिछले 3 महीने से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जी और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाले, समाज से जुड़े हुए, गरीब मध्यम वर्गीय लोगों से जुड़े हुए हमारे मंत्री नितिन राउत जी से विनती किया था जी कि महीना हमारे जो मध्यम वर्गीय और आर्थिक दुर्बल परिवार है, जो हमारे परिवार दुर्बल है, उनका बिजली का बिल जो 300 यूनिट तक है वो माफ कर दीजिए जी। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि जो व्यापार बंद है, हमारे शॉप बंद है, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जो है सभी स्तर पर आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन जो आज बिजली के बिल आए हुए है जी, उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो बिजली का बिल 3 महीने का आया हुआ है, वो 3 महीने का एक साथ दिया गया। अब एक साथ देने की वजह से प्रॉब्लम यह हुआ, बिजली का बिल तो माफ हुआ ही नहीं। बिजली के बिल माफ करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि महावितरण कंपनी खुद ओन करे, उनके पास हालत खराब है, तो महाराष्ट्र सरकार से विशेष पैकेज देखे जी। ये बिजली का बिल जितना होता है 300 यूनिट तक पूरे महाराष्ट्र के मीडियम क्लास और आर्थिक दुर्बल लोगों का, इनका पूरा पैकेज बना के महाराष्ट्र सरकार से बजट से महावितरण कंपनी को पैसा दे, ताकि महावितरण कंपनी ये पैसा पास ऑन कर सके। तो सरकार बिजली का बिल नहीं देगी, मैंने पैकेज नहीं देगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। दूसरा एक मार्ग है, केंद्र सरकार ने जो 90,000 करोड़ की एक लोन की योजना बनाई, जिस लोन में महाराष्ट्र सरकार उस लोन से पैसा ले सकती है और बिजली का बिल माफ कर सकती है। 2 रास्ते इनके पास है। और तीसरा रास्ता है कि बिजली के बिल अगर वसूल करना ही है, माफ करना चाहिए ही, उसमें कोई भी किंतु परंतु जंतु नहीं रखना चाहिए, उसके बगैर मार्ग ही नहीं है, क्योंकि 300 यूनिट तक आदमी मीडियम क्लास वाला है जी। अब बात आती है तीसरी, कि हमारे 300 यूनिट तक के जो बेचारे गरीब लोग है, इनका 3 महीने का 900 यूनिट आया, जो 100 वाला यूज कर उसका 300 यूनिट आया, 100 वाला जो यूज कर रहा था उसको 3.45 रुपया रेट लग रहा था, अब एक साथ आने की वजह से उनका रेट 9 रुपया लग के आया, क्योंकि 100 रुपए के 100 यूनिट के अंदर 3.45 रुपया बिल आता है, 100 के ऊपर 300 यूनिट तक 7.5 रुपए यूनिट बिल आता है, और 300 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 9 रुपए के ऊपर जाता है। तो जब एवरेज निकालते हम लोग, पूरा टोटल भेजते है, तो वो यूनिट को उतना रेट लग के आता है करके बिजली का बिल बढ़ के आया हुआ है। तो सबसे पहले बिजली का बिल आईटी जो डिपार्टमेंट है, जो बहुत मजबूत डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र बिजली विभाग का, उन्होंने
हर माह का बिजली का बिल अलग अलग चाहिए और उस बेस पे कैलकुलेशन होना चाहिए था कि उनका यूनिट रेट लगाना चाहिए। एग्जैक्टली तो हुई है, इस वजह से बिल बढ़ के आए हैं। मैं फिर दोबारा माननीय उद्धव ठाकरे जी से, माननीय हमारे नितिन राउत जी से विनती करता हूँ कि ये तीनों चीजें करें। केंद्र सरकार के पैकेज से पैसा ले, महाराष्ट्र सरकार के बजट से पैसा ले, 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करे, और चौथा जो गलती से बिल आया हुआ है उसको दुरुस्त करे। वो बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है ठीक है, बाम को लेके मैं दुबे सर आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर कहां जनता को लग रहा था कि कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, अब जहां कहीं जिंदगी के शुरू होने के आसार नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ये तो सर एक आफत ही आ गई लोगों के ऊपर में, कैसा देखते हैं आप? देखिए रत्नाकर जी, सबसे पहले तो मैं सन्मान्य चंद्रशेखर जी बावनकुड़े जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करूंगा कि वे इस राज्य के पहली सरकार में, इस सरकार के पहली सरकार में सन्मान्य ऊर्जा मंत्री थे जी। और आदमी जब पद पे होता है ना तो उसकी विचारधारा और विचार सरणी अलग होती है, और जब आदमी पद से बाहर हो जाता है तो वो फिर बोलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। सबसे पहली बात आदरणीय बावनकुड़े जी ने जो बताया 300 यूनिट माफ करने वाली बात, मैं बावनकुड़े जी को याद दिला दूं, आप ऊर्जा मंत्री थे इस राज्य के और पूरे 5 साल आप ऊर्जा मंत्री रहे। आप आज की परिस्थिति में, आज ऊर्जा मंत्री के पद पर आप नहीं है, आप सत्ता से बाहर है, आप 300 यूनिट माफ करने की इस राज्य के ऊर्जा मंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से आप मांग कर रहे हैं। आप 5 साल तक आप सत्ता में थे ऊर्जा मंत्री के रूप में, नागपुर से देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपने इस राज्य की जनता को 3 यूनिट क्यों नहीं माफ किया? इसका सवाल का जवाब आप मुझे थे पहले। मैं 3 यूनिट की बात कर रहा, 300 यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने ऊर्जा मंत्री रहते हुए, देखिए अपन सत्ता के बाहर होने के बाद में लोगों से अपेक्षा करना, शासन से अपेक्षा करना, आपने 5 साल क्या किया? दुबे जी आज हम जिस स्थिति में, उस स्थिति की बात करते हैं ना, मैं उस पे आ रहा हूँ। ये पहली बात जी, हो गई जी, जी। दूसरी बात, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, पूरा दुबे जी को पूरा बोलने दीजिए। इस राज्य की जनता के लिए जैसे ही महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई, डॉक्टर नितिन राउत इस राज्य के ऊर्जा मंत्री के रूप में इन्होंने जब कार्यभार संभाला, सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि इस राज्य की जनता को 100 यूनिट माफ किया जाए, और ऐसी एक योजना उन्होंने क्रियान्वित भी की जिसके लिए एक समिति गठित की। समिति गठित करने के बाद में उस समिति की कोरोना आपातकालीन जो कोरोना महामारी आई है उससे संबंधित उस समिति की बैठक नहीं हुई, जिसपे वो लोग एक योजना बनाने वाले थे कि भी किस योजना के तहत हम लोग किसी किस तरीके से इस 100 यूनिट को हम लोगों को माफ कर सकते हैं। वो अंडर प्रोसेस है और निश्चित आज नहीं कल कांग्रेस है, कांग्रेस के किसी भी आदमी ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मंत्री ने यदि वादा किया है तो उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी एक उस मंत्री की, उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, तीसरी बात, बावनकुड़े जी ने कहा कि भी महाराष्ट्र सरकार से पैकेज बजट में ये बिजली बिल माफ करने के लिए पैकेज की बात है, ये राज्य सरकार की बात है। मैं राज्य सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो मैं पार्टी के संगठन की तरफ से बात करूंगा। अब ये उन्होंने निवेदन किया है पूर्व ऊर्जा मंत्री ने, अभी जो फिलहाल में वर्तमान में ऊर्जा मंत्री उनसे, हो सकता है उनकी आपस में जो बात हुई हो और जो उनके जो विषय हो वो शायद कैबिनेट में डॉक्टर नितिन राव जी ऊर्जा मंत्री के रूप में रखे, उस पे जो भी होगा वो आगे अपने को निश्चित मालूम पड़ेगा। तीसरी बात, बावनकुड़े जी ने जो कहा कि केंद्र सरकार से कर्जा लेकर और बिजली का बिल माफ करे, ये बिजली का बिल आज कोई नई बात है क्या लोगों को आ रहा है? हम बिजली के बिल की खपत बिजली की कर रहे हैं इसलिए बिजली का बिल आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि 3 महीने लॉकडाउन जो रहा, 3 महीने लॉकडाउन में आपको एक, आप ये समझ लीजिए कि जो ये सरसकट 3 महीने का बिल बोला जा रहा है ये सरसकट और एवरेज बिल नहीं, जिन ग्राहकों के घर की रीडिंग हो चुकी है उनके रीडिंग के बिल है, जिन ग्राहकों के घर की रीडिंग नहीं हो पाई है या जिन ग्राहकों ने अपने घर की रीडिंग ऑनलाइन फोटो खींच के नहीं भेजा है उन लोगों को एवरेज बिल भेजा गया, उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कि भी पिछले महीने उनकी कैसी खपत थी। एक बात, लोगों को यदि लग रहा है कि भी उनके बिल, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं या ज्यादा आए हैं,
तो मैं आपको बता दूं कि एक महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने लोगों के लिए एक लिंक दिया शिविर, हुआ शिविर, है। शिविर शिविर में रखा हुआ है उन्होंने, एक शिविर रखा हुआ नहीं एक लिंक दिया हुआ है, आप अपने भी घर में बैठ के अपना कंज्यूमर नंबर डाल के उस लिंक पे यदि आप जाएंगे आपको आपके बिल की डिटेल पूरी मिलेगी, कितना यूनिट आपने जलाया, कितना यूनिट का क्या क्या रेट लगा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, बावन कुड़े जी ने बहुत अच्छी बात की है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस राज्य के सम्माननीय ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, आपको हर चीज पता है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। पहले 100 यूनिट का 3.46 रुपए के हिसाब से, 101 यूनिट से लेकर 300 यूनिट का 7.43 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद में 301 यूनिट से लेकर तो 500 यूनिट तक का 9.90 रुपए के हिसाब से, ये स्लैब आदरणीय बावनकुड़े जी को पता है। लोगों को बोलने के लिए, गुमराह करने के लिए जुमलेबाजी करना ये अलग बात, लेकिन हकीकत में यदि मैं आपको लिंक भेजूंगा, मैं आपको लिंक बताऊंगा, उस लिंक पे महाराष्ट्र में रहने वाला जो ग्राहक विद्युत का वापर कर रहा है, बिजली का वापर कर रहा है, यदि उसको उसके बिल के बारे में कोई भी शंका है, वो एक तो लिंक पे जाकर अपना कंज्यूमर नंबर डालकर वो उसका समाधान कर सकता है। यदि उस पर भी उसका समाधान नहीं होता है तो वो जो सहायता केंद्र बने हैं वहां पर जाकर वो अपना समाधान कर सकता है। यदि इस किसी भी बिजली ग्राहक को, इस महाराष्ट्र के किसी भी बिजली ग्राहक के यदि ज्यादा बिल लगा है और वो उस पर यदि अन्याय है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता इस नाते, और इस राज्य में जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, उसका एक घटक दल मैं आप महाराष्ट्र की जनता को उन पर अन्याय नहीं होगा। यदि उन्होंने बिजली की खपत उतनी नहीं कही है, यदि उनका मीटर में जो है एग्जैक्ट मीटर रीडिंग लेकर यदि जाएंगे तो वो यदि बिल ज्यादा आया है तो उसका परफेक्ट मीटर रीडिंग लेकर और उसको उतनी रियायत भी दी जाएगी। ठीक है, बावन कुले जी आपको बात कर रहे थे, आपकी बात खत्म कीजिए प्लीज। देखिए, सवाल इस बात का था बीसीएन पे, कोरोना के महामारी में हम बिजली ग्राहक को क्या राहत दे सके, ये सवाल है जी। दुबे जी जो बोल रहे हैं, जो शुरुआत की है वो पॉलिटिकल शुरुआत की है। अब पॉलिटिकल शुरुआत मैं भी कर सकता हूँ, नहीं मैंने इसीलिए उनको, मैं बावनकुड़े जी इसीलिए मैंने उनको बोला था कि अब कोविड के पार्श्व पर बात करें। बोलिए बोलिए। कोविड का चल रहा है, कोविड में हम क्या राहत दे सकते, लोगों को ये बात चल रही है जी। और कोविड में दुबे जी बोल रहे हैं मीटर रीडिंग करो, ये करो, वो करो, ये बात ही नहीं। मुझे लगता है बावन कुले जी की बात कुछ कट रही है तकनीकी वजह से। चंदू जी आप सुन रहे हैं बात? जी सुन रहा हूँ। जी हाँ, दुबे जी आप कुछ कर रहे थे, बावन कुले जी कई तकनीकी कारणों से वो है नहीं। जी बोलिए। हाँ, मैं उस बात को अभी कंप्लीट करता हूँ। चंदू भाऊ मेरे बाद में आप बोलेंगे, मैं थोड़ा सा आपके बाद में कोई बात नहीं है। दुबे जी पहले बावन कुले सर की बात अपन पूरी सुन लेते हैं। बोलिए बावन कुले। देखिए कि हमने, आपने सवाल किया कि कोविड में क्या कर सकते हैं जी। हमने बताया कि कोविड में ये कर सकते हैं। अब ये बिजली का रीडिंग इतना आता है, उतना आता है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, वो कोई नई नहीं है कि इतना करो घर से रीडिंग लो। ये तो मेरे कार्यकाल में ही आईटी को इतना मजबूत किया हमने, ये कोई चार पांच महीने में नहीं हुआ है, ये पूरे 5 साल की मेहनत के बाद आईटी को इतना मजबूत किया है कि देश की सबसे अच्छा आईटी कोई कंपनी का होगा तो महावितरण का है। ये अवार्ड मिला है हमारे महाराष्ट्र को। फिर अब कैसे, फिर अब बिल कैलकुलेशन में गलती हो गई। बिल मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने रीडिंग नहीं लेने की वजह से 3 महीने का बिल ज्वाइन करके आया हुआ है। अब वो ज्वाइन करके आने की वजह से उनके स्लैब बड़े हैं। 90% लोगों के मीटर के रीडिंग के बिल गलत आए हुए हैं, उसको सुधारना जरूरी है। मैंने पहले ही कहा है उसको सुधारना जरूरी है, और सुधारने के लिए जो यंत्रणा है वो महावितरण के पास मजबूत है। मैंने कहा ये बात आगे
बाबूपुर जी दुबे जी उसके लिए बोल रहे कि यंत्रणा उन्होंने नितिन राउत साहब ने यंत्रणा यंत्रणा ये आज से नहीं है, यंत्रणा ये बहुत दिन से है जी। हमारी आईटी बहुत मजबूत है, महावितरण की आईटी को देश का सबसे आपका अच्छा कहना बावनपुर जी की आपकी जो यंत्रणा है 2014 के बाद में आई, उसके पहले यंत्रणा नहीं थी, आपका कहना है 2014 के पहले से मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद बोलिए। ऊर्जा मंत्री अजीत पवार जी का अभिनंदन करता हूँ, उनके कार्यकाल से बाद में मेरे कार्यकाल में केंद्र का अवार्ड मिला। बराबर, देखिए ये चलते रहेगा, किसी सरकार है किसी सरकार जाए। देखिए जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में डिमांड करते हैं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में डिमांड करते हैं कि वहां की सरकार ने बिजली बिल माफ करना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार निर्णय करती है, उनका एक पैकेज देती है। हमने सिंपल कहा है, रिक्वेस्ट की है, आज भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके रास्ते क्या हो सकते, मैंने बताया, केंद्र सरकार से कर्जा लेने के लिए नहीं बोला मैंने, 90,000 करोड़ ऑलरेडी करोड़ के हाँ। ने एक प्रावधान किया है 90,000 करोड़ का, जो स्कीम में केंद्र राज्य सरकार 90,000 करोड़ से पैसा उठा के लोगों के बिजली बिल कम करके बाद में वापस दे सकती है। मैंने रास्ते बताए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। हमारा अगर ये चर्चा होगी कि भाई बिजली का बिल के गलत है, नॉर्मल चर्चा नहीं है, कोविड की चर्चा है, तो कोविड की चर्चा पे हम सारे दुबे जी का मेरा सबका यही सरकार के सामने निवेदन होना चाहिए कि सरकार अपने बजट में प्रावधान करे, कंपनी को उतना पैसा दे, या कैसे देश केंद्र सरकार के 90,000 करोड़ में से उठाए या कैसे उठाए। हमारी डिमांड है कि हमारी सभी की डिमांड है, जो शॉप बनते उनके बिल नहीं आना चाहिए, और 300 यूनिट तक मध्यम मीडियम क्लास और बिजली के बिल माफ होनी चाहिए, और ये करना चाहिए, सरकार ने ऐसी डिमांड है। और जी बिल्कुल, आज के हमारा चर्चा का विषय भी वही है कि क्या रह गया विषय है मैंने बिजली बिल माफ करने का जी। दुबे जी आपने रिकॉर्ड देखा नहीं शायद, 45 लाख किसानों के 28,000 करोड़ 45 लाख किसानों के 28,000 करोड़ रुपया ठगबाकी होने के बाद भी इस महाराष्ट्र का पहली सरकार थी देवेंद्र फडणवीस और बावनकुले की, एक भी बिजली के ग्राहक का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा। आप जाके देख लीजिए, 45 लाख किसानों को पूछिए कि 5 साल कभी आपका कनेक्शन कटा क्या। उसके पहले की सरकार ट्रांसफार्मर उठा के लेके जाती थी, लेकिन कभी बिजली का बिल छोड़ती नहीं थी। हमने 5 साल 45 लाख किसानों को 28,000 करोड़ रुपया थकित हो गया तो भी बिजली का कनेक्शन नहीं काटा है। हम राजनीति की बात देखिए, आप इतिहास देखिए ना, किसानों की आत्महत्या का क्यों देखिए ना बावनकुले जी, आप नहीं, मुझे लगता है बावनकुले जी दोनों दुबे जी एक मिनट सुन लीजिए, और दुबे जी और बावनकुले जी मैं आप दोनों को बता दूं कि हमारी चर्चा का विषय जो है वो स्पेसिफिक है कि आज जो बिल बिजली के आ रहे हैं। जी दुबे जी, आप दोनों भी टोटल राजनीति में जा रहे हो, दोनों अपने अपने नहीं आपने पिछले किसानों का मुद्दा निकाला, आज की बात कोविड की है। दुबे जी मैं बोल रहा हूँ, आज की बात कोविड की है, कोविड के लिए आपने जो मुद्दा उठाया निश्चित सही है, और जो बिल का प्रॉब्लम है, यदि दुबे जी बताते हैं कि जो ग्राहक है उसने वहां जाना चाहिए, तो साहब ग्राहक का वहां जाना बहुत आसानी चाहिए इन सब चीजों को। यानी मैं कोई इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस परंपरा बता रहा हूं महावितरण की, तो लगातार वहां पे ग्राहकों की शिकायत हमेशा रहती, बिल को लेकर तो लगातार शिकायत है। इस कोविड के इस मौसम में जहां दुकानें तीन महीने बंद थी, उनका कम से कम जो भाड़ा आप लोग लेते हैं वो तो भी उनको बिल नील का आना चाहिए था, उनको भी कुछ ना कुछ बिल आया है। ये तो देखो, ये जायज मांग है, मैं फ्री करने की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि 3 महीने शॉप बंद है, फैक्ट्री बंद है, उसका सारा सब कुछ बंद है, उसको भी यदि किसी प्रकार का आपका भाड़े का सरचार्ज का बिल आता है तो वो भी उसके ऊपर जायज है। जब आप वहां से केंद्र से घोषणा करते हैं कि किसी ने भाड़ा नहीं लेना, लोगों की पगार बराबर देते रहो, सारा बोझा व्यापारियों पे दुकानदारों पे आप लोग डाल देते हो, तो ऐसे समय क्या आपके लोगों के तरफ से थोड़ी राहत नहीं बनती, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, कहीं से भी राहत बने वो कहीं से भी, क्योंकि 3 महीने ना तो उसका बिजनेस हुआ ना किसी का धंधा हुआ। हाँ, जो नौकरी में सरकारी नौकरी में थे उनको माफी का प्रश्न नहीं, आपने बायफर्केशन करना चाहिए कि माफी किसको करना किसको नहीं, नहीं सारी चीजें है जी, उस पर कैटेगरी लिखी थी किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं आप, नहीं एमएससी भी कैसे करेंगे, आईटी इतनी पावरफुल कर दीजिए, बावनकुले साहब बता रहे तो किसको यूनिट वापस, आईटी को ये नहीं पता चंदू जी, आईटी को ये नहीं पता कि कौन सा ग्राहक क्या करता है, नहीं 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 ये तो होना चाहिए ना, फिर आप किसको दे रहे हैं, आप फ्री में बिजली सारे राजनीतिक लोग ले लेते हो, उनको
इसी के लिए बावन पुले जी ने जैसे कहा कि भैया 100 से लेके तो 300 तक की यूनिट का आपने देखो कि यूजेस के ऊपर में क्लासिफिकेशन। 100 यूनिट की बात छोड़ो, जो 3 महीने का बिल यदि एक साथ में दिया होगा, जंप हो गया यदि बिल ज्यादा होगा, तो खुद सरकार ने उस कंपनी ने बैठे बैठे वहीं से सारा कैलकुलेशन करके बायफर्केट करके 3 में कर देना चाहिए। उसके लिए किसी ग्राहक की राह नहीं देखनी चाहिए। ये तो आप लोग कर सकते हो ना, आप इसके लिए क्या आवश्यक कि क्यों कि कई ये जाए ठीक है। कोई यदि ज्यादा बिल आया है, जिसका ज्यादा बिल आया, यदि 200 यूनिट जला उसका एवरेज में यदि 600 यूनिट आया तो वो जाए वहां पे। लेकिन ऑलरेडी जिसको 600 यूनिट है वो भी एक्सेप्ट करा 600 यूनिट, 600 यूनिट का एक साथ में बिल आप दे देते 9 रुपए 90 पैसे के हिसाब से, तो निश्चित ये तो उसके साथ में अन्याय है ना। और ये महावितरण की प्रणाली ठीक है, हर व्यक्ति उसको सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन महावितरण में सबसे ज्यादा शिकायतें बिल को लेके, यूनिट को लेके, मनमानी को लेके बहुत सारी शिकायतें, इनको दूर करने की जरूरत है। ठीक है, कोविड एक हमारे सामने भी एक समस्या है, उसको निपटने के लिए हमको सिर्फ राहत देनी है, लेकिन उसके साथ में भी बहुत सारी आपको सुधारणा करनी है। जी जी दुबे जी बोलिए। हाँ, मैं आदरणीय चंदू भाव ने, चंदू सजोतिया जी ने जो विषय रखा ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बिल आए हैं, जो मैंने अभी तक जानकारी लिया है, और मुझे लगता है कि आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी को भी इस बात की जानकारी होगी, ये जो भी बिल 3 महीने के आए हैं, ये 3 महीने का इकट्ठा बिल आया, बट ये हर महीने में इसको, जैसे किसी को अगर 600 यूनिट का बिल आया है तो इकट्ठा 600 यूनिट तो उसको 3 महीने में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको ऐसा वो स्लैब जो है वो 100 यूनिट वाला जो मैंने पहले बताया वही लगा हुआ है। पहली बात, यदि किसी को बिल ज्यादा आया है या किसी को कोई शंका है तो मैं अभी आपको बताता हूं कि वो www.bill.mahadiscom.in इस पे घर बैठे आप अपने मोबाइल से जा सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। एक इनकेस कुछ भी तकलीफ होती है वहां पर भी अपना समाधान नहीं होता, मिस्टर विकास बांबल, मैं नंबर देता हूँ 8888807567, ये नंबर है मिस्टर विकास बांबल, इनसे आप संपर्क कर सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हैं। इस राज्य की ये महाराष्ट्र, ये नंबर आप महाराष्ट्र के लिए दे रहे हो क्या? पूरे महाराष्ट्र में देख रहे, सिर्फ नागपुर में नहीं देख रहे हम लोग, ये महाराष्ट्र के लिए पूरा, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये नंबर पे इसकी बहुत लाइनें आपको बिल्कुल, आप फोन करेंगे निश्चित मिलेगा इसको आपका प्रतिसाद, और आप अपनी तकलीफें बता सकते हो। ये सरकार जो है, ये सरकार लोकोभिमुख सरकार है और ये लोगों के ही कल्याण के लिए करेंगी। पहली बात, एक मिनट रुकूंगा। आपने जो भी ये सूचनाएं अभी दी है, क्योंकि जो भी बिल बढ़ा ये सोशल मीडिया पे बढ़ा, बिल का कैलकुलेशन हुआ सोशल मीडिया पे हुआ, प्रैक्टिकली 4 महीने से मेरे घर में भी बिल नहीं आया, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा उसमें क्या आया नहीं आया बता सकता, लेकिन ये जो आप यहाँ पे अभी बता रहे हो ये सारी आप कहीं पब्लिश कर सकते हैं, सारी कहीं ऐड भी दे सकते हैं। चंदू जी मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं ही बता दूं कि पब्लिक नोटिफिकेशन जो है नितिन राव जी की तरफ से किया गया, उनके टीम की तरफ से नहीं, रत्नाकर जी नोटिफिकेशन डिफरेंट चीज है, मैं ऐड की बात कर रहा हूँ जो बड़े अक्षरों में दिख जाए कि इसको करो लोगों के समझ में आए। नोटिफिकेशन साहब उनको भी पढ़ते आता है पेपर का, आप पढ़िए तो उसे नोटिफिकेशन भाषा भी पढ़ते आती है क्या? प्रेस में उन्होंने दिया है, कितने लोगों को पढ़ते आती नोटिफिकेशन? आप किस लोगों की बात कर रहे हैं? आप इंडस्ट्रीज के लिए बात नहीं कर रहे, बड़े व्यापारी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम आम आदमी, जो लोग नोटिफिकेशन के लिए पेपर नहीं खरीदते आपका कहीं पे, या तो अपने व्हाट्सएप पे देख लेंगे या आपके हमारे माध्यम से टीवी पे देख लेंगे, ऐसी कहीं आपने कहीं इसकी भाई, तो आज 52 किलो जी को मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कुछ शब्द बोलने का काम पड़ता है, हमको चर्चा में बैठने का काम पड़ता है, छोटा सा आप दे देते कहीं पे और होल्डिंग्स लगा देते अपने बर्थडे के, तो 100-100 होल्डिंग्स लगाते आप सड़कों पे, एक इसके भी होल्डिंग्स लगाते कि भाई किसको बिल आया तो यहाँ पे जाके संपर्क कर ले, तो शायद मुझे लगता है कि सरकार का भी उसमें काफी अच्छा काम होता और जनता भी आपसे खुश होती, सही तरीका हो जाता था लोगों तक पहुंचने का तुरंत इस मामले में। दुबे जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी तो बहुत काफी बिल है, मैंने एक बिल आज देखा, एक बिल देखा था जिसमें 1 यूनिट की चर्चा थी और 1 यूनिट का बिल आया था। तो इमरान भाई जी आपको मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, चंदू सजोतिया जी ने जो उनका एक बार जवाब दे दू, फिर आप भी बोले उससे बोलिए। बिल्कुल चंदू सजोत, चंदू भाव ने आपने जो विषय रखा ना, बिल्कुल सही विषय आपका, मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। पहली बात कि जो बिल आया ना, मैं आपको एकदम क्लियर कर दू, ये जो बिल आया है या ये जो प्रक्रिया है या जो आपने बताया कि महावितरण की बहुत सारी शिकायतें, ये शिकायतें आज की नहीं है, जहां पर कंपनी और ग्राहक का संबंध आएगा वहां शिकायत तो होगी, ये निश्चित बात है, वाजिब है। ग्राहक की शिकायतों का
उस ग्राहक की शिकायतों का समाधान करना ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपना ग्राहक है। यदि ग्राहक है तो कंपनी जिंदा है, ये तो हर जगह लगी हुई बात है। रही बात दूसरी ना, कोविड ये जो अभी चल रहा है हमारा कोरोना कोविड-19, इसमें मैं आपको फिर बता दूं कि इसमें यदि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका बिल जरूरत से ज्यादा है, मैंने आपको बताया, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। पहली बात, इस मामलों को लेकर जितनी रियायतें या जितनी सुविधाएं एक ग्राहक के लिए होना चाहिए, ये इस राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राव जी ने इन सब चीजों को प्रसार माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य पिछले 3 दिनों से शुरू है। मैं आपको बताता, मैं आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करूंगा, शायद कुछ लोगों के पास पहुंच चुकी होंगी, आप तक नहीं पहुंच पाई होंगी, मैं मेरे माध्यम से भी आपने उसको उपस्थित किया तो मैं आपको भेज सकता। भाई साहब, रही बात, भाई साहब बताइए, हमारी चर्चा चल रही है, ये टेक्निकल चीजें की नहीं चल रही है, हमारी चर्चा चल रही है कि भाई 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ होना चाहिए, इसका रास्ता निकाल के सरकार ने। दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये लोगों को इसको किस तरह से लेना, प्रॉब्लम है कि यदि 3 महीने का एक साथ में 9 रुपए से बिल, दुबे जी, हां दुबे जी, आपके जी दुबे जी, आपकी बात कंप्लीट कीजिए। मैंने वही कहा कि भाई दो बातें करनी चाहिए, मुझे बोलने देंगे तो मैं बाकी आगे बढ़ूंगा। बाबूपुर जी, दुबे जी की बात सुन लेते हैं। जी जी दुबे जी बोलिए, दुबे जी आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए फिर आप बोलिए। हां ठीक है, आपका निवेदन। रही बात ये सब होने के बाद में, जैसे मैं ग्राहक हूं, मैं गया, मैं ऑनलाइन चेक किया, नहीं मुझे समाधान हुआ, मैं संबंधित आदमी को फोन किया, भाई मेरा कंज्यूमर नंबर ये है, उसने मुझे सब चीजें तरीके से समझाया और मेरा यदि समाधान हो गया, देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, यदि उस अधिकारी ने मेरा समाधान कर दिया और मुझे लगा कि भाई मैंने 100 यूनिट यूज किया है, तो अब मुझे 100 यूनिट का एक उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे अगर 500 रुपया बिल आया है और मेरी ताकत 100 यूनिट का 500 रुपया इकट्ठा भरने की नहीं है, तो मुझे डिपार्टमेंट के तरफ से डॉक्टर नितिन राउत के निर्देशानुसार, ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार उसको किस्तों में भरने की भी मुझे सुविधा इस कोविड काल में मिली है। आप यदि वो ग्राहक यदि जाके बोलता है कि मैं इकट्ठे इतने पैसे नहीं भर सकता, चाहे उसका जो भी बिल हो, यदि उसका समाधान होता है तो, उसका समाधान नहीं होता है तो अपनी बातें पुख्ता तरीके से अपने उस बंदे को बताए और वो सब कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, माफ करने की जो बात है ना, तो ये चंद्रशेखर बावनपुरे जी बहुत अच्छे से जानते हैं, 300 यूनिट माफ करना, 100 यूनिट माफ करने के लिए इतनी सब कमेटी बैठा कर उसका नियोजन करना और 100 यूनिट निश्चित माफ होगा इस राज्य के जनता को, 300 यूनिट माफ नहीं। घोषणा कब होगी? दुबे जी, सरकार ने कंपनियों को और व्यापारियों को बोल दिया कि किसी के पगार नहीं काटना, किसी को नौकरी से नहीं निकालना, और जो जिनका भाड़े पे डिपेंड है, जिनका भाड़ा से मकान देना रोजगार था, उनको बोल दिया 3 महीने का भाड़ा नहीं देना। एक आदेश वहां पे लोगों ने मान के भाड़ा नहीं दिया, बिना पगार के लोग घर पे रहे, पगार लेते रहे, क्या प्रॉब्लम है माफ 100 यूनिट माफ करने का? आज 3 महीने से कोविड हो गया, आपको पता है, इसमें और क्या प्रोसेस लगनी है अभी 100 यूनिट के लिए? चलो 100 यूनिट की माफी तो लाओ, 100 यूनिट की नहीं, 100 मैं बता, पहले बताया मैंने, 100 यूनिट भी आखिरी के माफ करेंगे, पहले के माफ करेंगे, वो भी थोड़ा सा क्लियर करें, पीछे के 100 यूनिट या पहले के 100 यूनिट? अरे भाई 200 यूनिट आया तो अभी अभी चंदू जी पूछना चाहिए कि अभी जो बिल आया उसमें से 100 यूनिट माफ होगा या अब आने वाले बिल में 100 यूनिट का रियायत दी जाएगी? नहीं किया देव ना, उसको लेट क्यों कर रहे हैं आप? 100 भी देव तो सही। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता दे, क्लियर कर दे लोगों को, ये 100 बोलिए, ये 100 आपका म्यूट हुआ। संजय जी म्यूट है आपका, म्यूट खोलिए। एक महामारी हमारे देश में आई और इस महामारी के जनक इस देश की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, यदि नमस्ते ट्रंप शुरू नहीं रहते और विदेशों से लोगों का आना नमस्ते ट्रंप के चक्कर में शुरू नहीं होता तो अपने देश में कोविड इस बड़े पैमाने पे नहीं आती। सर अभी सॉल्यूशन की बात करें ना, अभी सॉल्यूशन की बात करें ना सर। सर ये सर हम ये कोरोना की एंट्री के लिए हम ये दोष कई बार ले चुके हैं और फिर हम इस चर्चा को किसी और दिशा में नहीं ले जाना चाहते दुबे जी। अभी के बाद आपका म्यूट है, क्या पता आपका मोबाइल भी आपका साथ नहीं दे रहा। बांकल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय में? देखिए मैंने निश्चित इस महाराष्ट्र के जनता को निश्चित जिस दिन इसका निर्णय होगा ये 100 यूनिट बिजली के बिल
निश्चित ही महाराष्ट्र को जनता को सर लोगों को जरूरत आज है, लोगों को जरूरत आज है। बाकी सारों के लिए आपात कायदा है, आपको हॉस्पिटल चाहिए तो आपको एक नोटिस में आप एक्वायर कर लेते, कुछ भी होना तो कर लेते, इसके लिए काय को इतना टाइम लगता, क्यों नोटिस लगते, एक नोटिस नहीं निकाल सकता, माफ करना पड़ता करके। इसके बारे में सजोतिया जी, इसके बारे में आदरणीय बावन कुड़े जी इस विभाग के और इस राज्य में मंत्री रह चुके हैं। मैं आज तक विधायक नहीं बन पाया, लेकिन बावन कुड़े जी 3 बार विधायक रहे और मंत्री रहे, वो मेरे से अच्छे से आपको समझा सकते, बता सकते, समाधान कर सकते। बावन कुड़े जी क्या पॉसिबल नहीं है कि तुरंत घोषणा की जाए? मैंने आपात कायदा चालू, आपात कायदा चालू, आप कोई भी चीज हासिल कर लेते कि हमारी होगी करके। देखिए दुबे जी, दुबे जी और भैया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें पॉलिटिकल नहीं जाना है, हमें सोल्यूशन पे जाना है। हम सोल्यूशन की बात पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है। और ये इतना छोटी सी चीज है, वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। नितिन राउत जी ने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी 100 यूनिट तक के सारे आर्थिक दुर्बल परिवारों को 5 साल के लिए बिजली का बिल माफ करने की कमेटी बनाई है। 5 साल तक बिजली का बिल माफ करने की कमेटी बनाई है जी। और जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी बनाई गई 5 साल के लिए, लेकिन हमारा सवाल है कि केवल कोविड में 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ हो सकता है, इसके लिए जितना भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक पैकेज कंपनी को दे, कंपनी पैसा पास ऑन करे ग्राहक को, हो गया खत्म। कितना छोटा काम है, सिर्फ अपने को बजट करना पड़ेगा, और बजट के लिए एक कैबिनेट में जाना पड़ेगा एक नोट लेके कि भाई महाराष्ट्र के 300 यूनिट तक इतने इतने ग्राहक है, ये ग्राहक की इतना इतना टोटल होती है, और ये ग्राहक की टोटल मिला के 9,000, 10,000, 4,000, 5,000 करोड़ जो भी आएगा वो महाराष्ट्र सरकार कंपनी को पैकेज दे, कंपनी ने सारे बिल वॉश आउट करे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए ऐसी। इतना ही काम है दुबे जी, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। हमने इसके पहले आप देखिए, ये कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, 7,000, 8,000, 8,000 करोड़ की हम सब्सिडी देते हैं ना किसानों के लिए, पास ऑन करते हैं बिल। तो मेरी विनती आपके माध्यम से नितिन राउत साहब को है, ये कोई पॉलिटिकल प्रश्न नहीं है, कोविड का प्रश्न है। जो माननीय हमारे चंदू भैया ने बताया है कि भाई बिजली के बिल की एक बार स्क्रूटनाइजिंग कर लो, उसकी दुरुस्ती कर लो। कोविड की वजह से लोग महावितरण कंपनी में नहीं जा सकते हैं, वहां लाइन नहीं लगा सकते हैं, वो बातें बात की होती रहेंगी। लेकिन आज पहला सवाल है, हमारे सारे आईटी डिपार्टमेंट को एक्टिव करके सारे बिलों को दुरुस्त करें। जनता में आक्रोश है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, मैं सरकार में नहीं, उसका मतलब नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जनता में जाइए, आक्रोश है, आक्रोश रहेगा, ये सबके खिलाफ रहता है, ये कोई सरकार आपकी ये करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रास्ता निकालना चाहिए। मैं नितिन राउत साहब से, मेरी बात 4 बार हो चुकी है, कल भी मैं बात करने वाला हूँ कि भाई महाराष्ट्र की सरकार उनको मदद करे, मुख्यमंत्री अजीत पवार जी मदद करे, वो पैकेज से पैसा दे और बिजली का बिल माफ करे। ये सिंपल प्रश्न है और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हम चर्चा भी इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिरकार ये सारा जो प्रेशर है, सरकार ने पैकेजेस की घोषणा कर रहा है, लेकिन आम आदमी कहाँ जा रहा है, आम आदमी की कितनी परेशानियां हैं, सारी वसूली, सारे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगातार दिन ब दिन जो लोगों के ऊपर मार पड़ रही, तो लोग कैसे इसको सहन करेंगे? दुबे जी, नहीं ऐसा है कि ये तो निश्चित बात है कि इस लॉकडाउन के काल में हर व्यक्ति अपने घर में एक कैद सा हो गया जी। और जिस घर में 70 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट का कंजम्पशन था, खपत थी, उस घर में 200 और 250 यूनिट पे खपत शुरू हो गई, ये बात निश्चित है। और करेगा भी क्या आदमी, जब घर में रहेगा तो दूसरा साधन भी क्या है, तो भाई बैठ के टीवी देखेगा, घर का पंखा चालू रहेगा, दिन में लाइट चालू रहेगी, ये होना ही निश्चित बात है। उसका रास्ता कैसे निकालना है, इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, ये सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, और साथ में उप मुख्यमंत्री जो इस राज्य में दूसरी घटक पार्टी है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ हल निकालने के कोशिश में है, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसका हल निकलेगा। तांत्रिक अड़चन जो भी होती है, ये आदरणीय बावन कुड़े जी अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं पहले बोला कि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, वो अच्छे तरीके से सब चीजें जानते हैं, बोलना अलग बात है, क्रियान्वित करना, उसको अमल में लाना
हम इस परिस्थिति में कुछ ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं, हम वही उपाय योजना चाहते हैं कि आज जो इतना बड़ा बिल आया ये सिर्फ लोगों को राहत ही लगे। लोगों को अपेक्षा थी सर कि ये बिल आएगा, लेकिन जब ये बिल इस तादाद में आया तो लोगों की नींद उड़ गई सर कि हमारे आज कई महीने हो गए सर लोगों ने अपने किराए नहीं भरे हुए हैं, आज लोगों के पास में सिर्फ इतनी इनकम है जिससे उनका घर कैसे ना कैसे चल सके, और जब ऐसा बिल आ जाता है तो कहीं ना कहीं तो धक्का तो लगना है। हाँ बोलिए बोलिए दुबे जी। देखिए रत्नाकर जी सीधी बात है, देखिए एक सीधी बात है, यदि मुझे 1500 रुपये का बिल आया है तीन महीने का, एक उदाहरण बता रहा हूँ, यदि मुझे 5000 रुपये का बिल आया है तीन महीने का, तो मैं इकट्ठा 5000 रुपये इस परिस्थिति में नहीं भर सकता। ये भी बात उतनी सही है जैसे चंदूभाव सजोतिया जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है। और ये उस ग्राहक की, हम भी आप भी सभी लोग ग्राहक है, बगैर इलेक्ट्रिक के बगैर बिजली के कुछ नहीं हो सकता। हम अपना ही दर्द बयां कर रहे हैं सर, तो उसकी किस्त आप कर लीजिए, आप उसकी किस्त कर लीजिए, तीन किस्त चार किस्त जैसी आपको सुविधाजनक है, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, आप पहली किस्त भर देंगे, आपकी इलेक्ट्रिक का मीटर या इलेक्ट्रिक का सप्लाई भी नहीं काटा जाएगा। इसकी गुआई में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से इस राज्य की जनता को। ठीक है चंदू जी। नहीं दुबे जी ने बताया, मैं तो चलो इलेक्ट्रिक बिल एक माध्यम है, मैं जानना चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को क्या राहत दिया, उसमें हो सकता है एक पैकेज इलेक्ट्रिक का भी आप रख दे कि ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक को इतने करोड़ राहत दे रहे, इसको इतने करोड़ राहत दे रहे, इसको इतने करोड़ दे रहे, कहीं राहत का पैकेज भी सरकार की तरफ से आया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के नाम है कहीं पे? देखिए चंदू भाव, क्योंकि क्या राहत देनी पड़ेगी, जैसे भवन कुली जी ने बताया, आप यदि टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल बात में तो ये आता कि साहब कंपनी को बोलो आप माफ करो, कंपनी को आप बोले कि आप माफ कर दो पैसा हम देंगे, तो कंपनी को क्या टेक्निकल प्रॉब्लम सर, आधे घंटे का एक साइन करने का काम है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं सजोतिया जी आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन सब बातें जो है सरकार की बातें सरकार में ही होती है, और बावन कुड़े जी बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब बातें मंत्रिमंडल की बैठक में होती है, ये बातें बैठ के हम लोग सरकार की बातें सरकार में होती है, लेकिन सरकार में बैठ के जनता की बातें करें काम की बातें होगी ना, सरकार सरकार के आपस में बातें करती रहे कि एमपी वाले ने क्या किया, यूपी वाले ने किया, केंद्र वाले ने क्या किया, हमने क्या किया, ये बातें नहीं, महाराष्ट्र की जनता के लिए 100 यूनिट माफ करने की जो बात कही गई है वो निश्चित तौर पे 100 यूनिट कब तक हो जाएगा साहब, कब तक हो जाएगा? जैसे ही उस कमेटी ने फाइनल अपना 100 यूनिट पर माह का टोटल 100 यूनिट प्रति माह, मतलब 300 यूनिट इस राज्य के। बावन कुले जी नहीं, बावन कुले जी 300 यूनिट मांग रहे, नहीं 100 यूनिट भी, चलो बावन कुले जी डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी हो राहत समय पे मिल जाए तो महत्व होता है। मैं समय पे मिल जाए तो महत्व होता है। सजोतिया जी मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, ये यदि कोविड का ये जो अपने देश में महामारी आई ना, ये थोड़ी सी यदि 15-25 दिन बाद में आती तो शायद हम लोगों को अभी तक वो 100 यूनिट ये पिछले 3-4 महीने में भी हम उसका फायदा ले पाते थे, लेकिन हुआ कैसा कि वो हम तो बोल रहे 15 दिन ऐसी लेट कर दी उसको लाने में, आप बोल रहे 15 दिन लेट आ दी। सर देश तो चाहता था कि आए नहीं, देश तो चाहता था कि ये कोविड 19 भारत में आए नहीं, तो गई ना देश के लोगों ने लाया तो अब वो सर कोरोना भी आ गया, उसके ऊपर में बेरोजगारी भी आ गई, उसके बाद में आर्थिक संकट भी आ गया, आने वाला बहुत मुश्किल समय आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस देश में बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि आदरणीय सजोतिया जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, धंधे व्यापार चौपट हो गए हैं, बेकार समय तो आएगा, लेकिन जनता के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए नहीं, इस देश की जनता के लिए और जनता के साथ इस देश के राजनीतिक लोगों के भी लिए बेकार समय आए। चलिए दुबे जी, हमारे पास में समय की बड़ी कमी है, इमरान जी आप कुछ कहने वाले थे। हाँ जी, आपने ये 300 यूनिट की बात करके तो बहुत अच्छी बात, जनता था हमें बीसीएम के माध्यम बीसी और नहीं, मैं 100 रुपए पर यूनिट पूछे रहे तो बाद में दुबे जी बोलना, मैं तो 100 यूनिट टोटल बोला था। 100 यूनिट पर मंथ के हिसाब से रियायत दी जाएगी, पर बिलिंग 100 यूनिट, वो ठीक है हमारे पास में। जी ठीक है, पर बिलिंग पर माह सर वापस क्लियर करो आप, 100 यूनिट पर माह पर बिल। हाँ सर, लेकिन पर, मैं लेकिन, लेकिन दुबे जी वो है आपकी परमानेंट 5 साल की योजना, बराबर कोविड में
महाराष्ट्र सरकार ने आप और सब हम डिमांड करें नितिन राउत जी को कि भाई 300 यूनिट तक माफ करें, क्योंकि हमारे घर में हम लोग रहे और हम लोग कहीं भी काम पे नहीं गए, हम लोग कोई हम अच्छा 300 यूनिट के ऊपर का जो है ना वो थोड़ा पैसे वाला थोड़ा उसके बस व्यापार वाला आदमी होता है, 300 यूनिट तक ऑटो वाले रिक्शा वाले छोटे किराना शॉप वाले बहुत गरीब लोग होते हैं और 300 यूनिट तक देखते देखते आ जाता है। हमारे 3 महीने के लिए डिमांड है, 3 महीने के लिए हम लोग परमानेंट डिमांड नहीं कर रहे। परमानेंट डिमांड तो आपने डिक्लेयर की है 100 यूनिट तक हम वेट करेंगे, उसका तो हम 5 साल वेट करेंगे आपका, हम आज कुछ नहीं बोलेंगे आपको, 5 साल के बाद चुनाव में बोलेंगे, 5 साल के बाद की बात है वो। आज तो हमारे सामने डिमांड है कि 3 महीने के लिए 300 यूनिट तक जो खर्चा आता है वो महाराष्ट्र सरकार से बजट से तुरंत लेकर महावितरण कंपनी को दे और तुरंत बिजली बिल माफ करे, ये मेरी डिमांड है। और जो शॉप बनते नाई के शॉप बनते किराना के शॉप बनते ये सारे शॉप को भी बिल आया हुआ है, केवी रेट से आया हुआ बिल है, तो उनको भी बिल जीरो करना चाहिए क्योंकि दुकानें बनती ना, वो भैया बता रहे चंदू भैया बराबर बात है, दुकान बनती शॉप बनते 3 महीने कहा शॉप खुला बताइए। कई लोगों ने बिजनेस बंद होने के चलते सर आत्महत्याएं भी कर ली है, खैर वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर जब आपने बताया कि नाई की दुकानें बनती है इसलिए मैंने वो विषय को हाथ लगाया। 300 यूनिट तक का आप भी डिमांड करिए, हम सारा पैनल डिमांड करेंगे, हम पॉलिटिकल डायस पे नहीं है, आज हम कोविड का जब तक डायस है तब तक पॉलिटिकल नहीं है, अभी की जो परिस्थिति है वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति, जैसे चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, ये सरकार के लिए विरोधी पक्ष के लिए और सभी के लिए मेरा मानना नहीं है, ये मानना नहीं है कि नितिन राउत जी प्रयास नहीं कर रहे, मैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ केवल हमारा ये पैनल का डिस्कशन दुबे जी बहुत सीरियस इश्यू ऐसा बताइए उनको, जनता थोड़ी आक्रोश में है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है ऐसा ही बोलिए नुकसान होने के जिसके पास रहेगा, आपके पास इतने सारे नुकसान तो आपका होना चाहिए ना, उनके पास तो है ही नहीं ज्यादा, कहां से नुकसान होगा। चंद्रशेखर भाव कल आप बात करने वाले नितिन राउत सर से, हम लोग जनता जनता हमको देख रही है, हम पैनल डिस्कशन पे जनता के सब लोग जनता बीजेपी कांग्रेस बीजेपी शिवसेना सारा बाजू रखे है, हमारा पैनल का डिस्कशन का एक ही मतलब जाना चाहिए जी। कि भाई हम सब लोग मिलके यहाँ के राज्य के हमारे 300 यूनिट के बिजली के बिल माफ हो, ये सरकार को हम सारे लोग मिलके बताएंगे, ये वस्तुस्थिति है, ये करना चाहिए, ये पैनल का डिस्कशन हम सरकार को बताएं, यही हमारी डिमांड है। ठीक है, मैं इस डिस्कशन को यही विराम भी देना चाहूंगा क्योंकि समय की बड़ी कमी है, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन में देखा, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दुबे जी की बात माननीय मुख्यमंत्री भी मानते हैं और हमारे नितिन राउत जी मानते हैं, जरा उनके माध्यम से हो जाए चैनल की चर्चा सार्थक हो जाए तो जरा सूचित कीजिएगा हमको। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित बावनकुड़े जी, चंदू भाव सजोतिया जी, निश्चित इस महाराष्ट्र के सर्व सामान्य नागरिकों को जो भी सुविधा है हम सरकार की तरफ से इस महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम दिलवा सके, निश्चित आपके उस कार्यक्रम में मैं भी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा और इस राज्य के जनता के फेवर में मैं निश्चित ये बात रखूंगा, सरकार का काम है उस पर निर्णय लेना, लेकिन इस राज्य के जनता के बिजली के बिल माफ हो इस बात को मैं भी नितिन राउत जी के पास तक आपके और हम सबकी भावनाओं को मैं पहुंचाऊंगा। दोनों के तरफ से एक जनता जो महाराष्ट्र की जनता आपको सुन रही है उनको आप जिस तरह से बिल आए हैं वो सब पैनिक हो चुके हैं, मतलब कई लोग पैनिक हो चुके हैं, कई लोग सोच रहे कि हम क्या करना चाहिए हमने, तो एक दोनों के तरफ से पब्लिक प्लेस पे थोड़ी सूचना है, थोड़ा आप जाहिर करो, आप दे दीजिए जो MSEB का जहाँ बिल है ना, जहाँ लोग जाते हैं भरने, वहाँ पे भी थोड़ी सूचना लगा के रखिए ताकि लोग अवेयर हो सके, लोगों को इस बारे में जानकारी तुरंत हासिल हो सके। निश्चित 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 आप चंदू भाव आपकी जो सुझाव है ये निश्चित मैं माननीय ऊर्जा मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी तक, चंदू भाव बिल्कुल निश्चित, सजोतिया जी आपकी और बावनकुड़े जी आपकी भी जो सूचना है निश्चित पहुंचा। नहीं नाम दो अलग अलग लेना, आप चंदू भाव बोलेंगे तो एक में शामिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, चंदू भाव सजोतिया जी और चंदू भाव चंद्रशेखर जी बावनकुड़े ऐसे जी। चलिए मैं अभी महाराष्ट्र के नागरिकों ने क्या करना चाहिए, बिजली बिल जो आया है वो भर देना चाहिए या वेट करना चाहिए कि जो आने वाली सरकार की योजनाओं का,
देखिए इमरान भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मुझसे किया है सवाल। जी, ये सवाल का जवाब आपको भी देना है और बाबुल कुले सर को भी इसके बारे में बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी घोषणा हुई थी कि बिजली बिल कोई नहीं भरेगा जब तक कम नहीं होता है, इसलिए पहले तो मैं आपको इस बारे में मैं आपको बता दूं, यदि मैं बिजली कंपनी का ग्राहक हूं, मैंने यदि बिजली की खपत किया और मुझे यदि बिल आया है 2000 रुपया का, मैं इकट्ठे 2000 रुपये नहीं भर रहा हूँ, मैंने 500 रुपये की किस्त बनाकर 500 रुपये भर देना 2000 से, मैंने बिल भर दिया 2000 का बिल, 500 रुपये पहली किस्त भर दिया और अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई अंडर प्रोटेस्ट भरने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि हमारी विद्युत जो सप्लाई है प्रोटा वो बंद नहीं होगा, पहली बात। पहली बात। दूसरी बात, उस बात को लेकर हमने, और मैं समझता हूँ कि यदि आपने भरने की शुरुआत की तो आपकी हर चीज जो है ना वो आपका समाधान होता चला जाएगा। यदि हम नहीं भरेंगे तो एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद में फिर आपकी बिजली काट दी जाएगी, इसलिए अंडर प्रोटेस्ट दी। नहीं, संजय दुबे जी आप दूसरा सजेशन करिए माननीय मंत्री जी को, ये 3 महीना अप्रैल मई जून ये 3 महीने का बीज बाजू करे और जुलाई से लेके आगे अगर बिल का जो अगर कुछ थकित आता है तो उसकी बिजली कट करे, ये 3 महीने के थकित लोगों की बिजली ना कट करे। कुछ जो भी तो, कुछ तो सर लोगों पर रहम कर कीजिए। सर बावन कुले बोलते जी, बोलिए दुबे जी, बावन कुले जी थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा। हाँ बोलिए दुबे जी। नहीं, कैसे है कि मैं निर्णय करने वाला, मैं सरकार नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट किया। हाँ जी, आपको बात पहुंचाने की बात करें, वो हम समझ रहे हैं। बावन कुड़े जी कहते, मैं बताया ना कि बावन कुड़े जी सत्ता में थे, ऊर्जा मंत्री रहे हुए, आबकारी शुल्क मंत्री रहे हुए, तो वो कोई इश्यू नहीं है, वो उनका अनुभव है। मैं सिर्फ इन बातों को मैं पहुंचा सकता हूँ, निर्णय लेना ये सरकार का काम है। जी बिल्कुल, लेकिन इस देश की, इस राष्ट्र की, इस राज्य की सर्वसामान्य जनता को नुकसान ना हो, उन पर अन्याय ना हो, इस बात को मैं मेरी पार्टी के फोरम में और मेरे पार्टी के जो मंत्री महोदय है उनके पास मैं पहुंचाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इस राज्य की जनता को मिले, चाहे वो बिजली बिल के बारे में हो, चाहे अन्य तमाम सुविधा में हो, लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता को इस कोविड काल में, इस महामारी में ज्यादा से ज्यादा सुविधा इस राज्य की सरकार की तरफ से दी। धन्यवाद दुबे जी। मैं दर्शकों की तरफ फिर से आना चाहूंगा कि ये जो बिजली के बिल की मार जो हम पर पड़ी है, ये इसको हम राहत या आफत इस चर्चा के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। बिजली का बिल आप लोगों को जरूर आया, इसके लेकर आपके मन में कुछ शंका या समाधान भी, या इस चर्चा में हमने कोशिश तो बहुत की कि इस चर्चा में आपको पता चले कि क्या क्या हो सकता है। दुबे जी ने भी सक्षम तरीके से अपने विचार रखे और गाइडलाइन भी बताया कि अगर आपको बिल में अगर कुछ तकनीकी खराबी लगती है या कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आपका उसका निराकरण भी हो जाएगा, किस तरह से आपको बिल भरना ये भी बताया गया, सरकार इसके बारे में क्या रियायत देगी इस पर भी, और क्या डिमांड होनी चाहिए। बावन कुले जी ने कुछ डिमांड की है, उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक जो है सभी लोगों को माफ होने चाहिए, सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, ये बात की बात है। लेकिन आम जनता आज भी COVID-19 के मार से आज भी जूझ रही है, पेट्रोल डीजल की मार और सरकार लोगों के ऊपर बढ़ रही है, उस पर ये इलेक्ट्रिक बिल की मार भी उसके ऊपर बढ़ रही है। आने वाला समय कैसा होगा, किस तरह से हम लोग इस आगे की परिस्थिति को सामना करेंगे, और ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हम इन बीसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से महाचर्चाओं का आयोजन करते रहेंगे। दर्शकों का धन्यवाद। दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल थे। मैं बावन कुले जी का भी धन्यवाद करता हूँ, इस वक्त हमारे साथ में नहीं है लेकिन चर्चा में सहभागी होने के लिए धन्यवाद। चंदू जी आपका भी और इमरान आपका भी धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों आप बने रहे हमारे साथ में सिटी न्यूज और एबीसी न्यूज पर।